अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, और ये हम आपके लिए लेकर आए हैं इस्तांबुल की स्नोफॉल। की लेयर है यहाँ से शुरू हो रही है, थिक लेयर है, रात काफी स्नो हुई है। एक वीक फुल सनशाइन के बाद स्नोफॉल शुरू हो गई। ये छोटा सा बगीचा है हमारे घर के पास। ये हो रही है बर्फ में रोलिंग। हाँ अच्छा, वेरी गुड। आर यू एंजॉयिंग दिस एक्सरसाइज? ओह टू मच, एवरी डे आई डू। Tim Abbas, what are you doing? You're making snowmen now? Baby snowmen. Okay. जी ये मुझे एक स्नोबॉल हिट हुआ और ये एक और हिट हुआ और ये शुरू हो गए, ये अपना बदला ले रहे हैं मुझसे। पाउंड फुल रख के अंदर बर्फ में जमा के जाना पड़ रहा है। ये जी बच्चे खेल रहे हैं और खुश हैं, दे आर एंजॉयिंग दिस वेदर। इस्तांबुल में फरवरी में भी स्नो पड़ती है। ये हमारे टर्किश फ्रेंड्स हैं जी, एंड हम इनके साथ यहाँ पर निकले हैं थोड़ा एंजॉय करने के लिए। नहीं नहीं, मरहबा, ये हाशिम की फ्रेंड है, दे आर हेल्पिंग टू मेक अ स्नोमैन। मिस्टर स्नोमैन, आप इनका नाम रखें और हमें बताइए कि आप इन कमेंट सेक्शन में आप इसमें बताइए कि क्या आप इसका नाम रखना चाहते हैं। आप इनको करीब से देख लें मिस्टर स्नोमैन जी। Don't throw this. This is too heavy. This is too heavy. This is too heavy. ये यंगस्टर्स भी आ रहे हैं पार्क में स्नो को एंजॉय करने। स्नो एवरीवेयर हाँ? हाथों को क्या हुआ? ये हो गए हैं फ्रीज। ये आपको जगह जगह पे नजर आएंगे और ये लोग इनके लिए खाना छोड़ जाते हैं बर्फ में। ये सब पहाड़ जो है बर्फ से ढके हुए हैं। हम स्नोफॉल के साथ आपके साथ हैं, मैं और मेरी मिसेस, आप भी। हाँ जी, मैं आपके साथ ही हूँ और मैं कैमरा के पीछे हूँ। आप कैमरे के पीछे हैं और आप मेरे हर काम के पीछे हैं। और ये सही माने में एक मजेदार जगह है। आप देख सकते हैं लोग कर्फ्यू के बावजूद छोटी मोटी हरकत करने से बाज नहीं आते, ये निकल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं वेदर को। एक हमने सोचा आपको एक साइट सीइंग टूर दें अपने घर के करीबी इलाके का। वेदर बहुत प्लेजेंट लग रहा है इस वक्त, पीछे आप देख सकते हैं हल्का सा फॉग है। और कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक भी करें क्योंकि मैं इसमें हूँ, इसलिए लाइक करना तो बनता है। जरूर जरूर जी, और हमें जरूर बताएं कि आपको ये स्नोफॉल की वीडियो कैसी लगी। आए दे गुरु शुरू।